बल्कि अब्दुल रजाक आप अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे याया की बात पर, यू कैन कंटिन्यू। आपने सवाल जो बढ़ा दिया मैं याद करा देता हूँ। याया कह रहे थे कि मिडिल ऑर्डर के बैटर्स का हमें प्रॉब्लम है, जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं उनसे भी हम ओपन कराएंगे, तो फिर मिडिल ऑर्डर में किसको खिलाएंगे? मासूमाना सवाल। देखिए बात ये है कि हर जो मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट करती है और प्लेयर में पोटेंशियल तो होता ही है, और जो मिडिल ऑर्डर में खेलता है वो ओपन करता है, जो ओपन खेलता है वो मिडिल ऑर्डर में जा रहा है। हर इसमें सारा को मैं समझता हूँ जो भी डिसीजन ले रहे हैं ये मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। अब क्वेटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट चेंज होगी तो सोच शकील ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने सोच के उनको ओपन करा दी। अब यहाँ की पिचेस बहुत फ्रेंडली हैं और अब तक जो मैचेस हो चुके हैं इसमें कोई भी, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ एज ए क्रिकेटर कि ये क्रिकेट कौन सी क्रिकेट हो रही है जहाँ पे फास्ट बॉलर नए बॉल से विकेट नहीं ले रहा, और ये हो क्या रहा है, और 200 स्कोर ऐसे लग रहा है जैसे आपने 140 करना होता है, तो प्रेशर ही नहीं है। जब तक प्रेशर नहीं होगा तो आप कैसे इंटरेस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं? अब्दुल रजाक हमने बॉलिंग में भी तो इशू देखे हैं ना, हमने फील्डिंग में भी कोताहियां देखी हैं। आप इन दोनों एस्पेक्ट्स को टाइट कर लें, बेहतर बॉलिंग कर लें, आपका बैलेंस बन जाए, फील्डिंग में कैचेस लेना शुरू कर दें तो स्कोर में 20-25-30 रन तो वैसे ही कम हो जाने। नहीं डेफिनेटली देखिए फील्डिंग का भी क्लैप्सिस है, पर ये कि हमने जो क्रिकेट देखी हुई है वर्ल्ड कप और टी20 का फाइनल था आगे देखते वो क्या बात थी, वो भी फाइनल था, वो भी टी20 का काम मैच था, तो 140 स्कोर करना वहां पे आप करते हैं और वहां पे वो भी 140 भी मुश्किल हो रहा था। तो ये जो क्रिकेट का प्रेशर है ये हम देखेंगे आगे, देखेंगे यू ही टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे प्ले ऑफ के लिए, तो वहां चीजें नजर आएंगी। और राइट नहीं देखो जो रजाक बात कर रहा है वो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि देखो इनिशियली थोड़ा सा स्विंग नजर आना चाहिए ना बॉलर का, कोई हल्का सा फुल्का सा स्विंग तो नजर आए, बिल्कुल फ्लैट है। आप ये देखें लड़के इतना खूबसूरत खेल रहे हैं कि मतलब गेंद आती है सिर्फ लाइन में आके पुश कर रहे हैं चौका, थोड़ा सा ऊपर गिरता है पुश करते हैं छक्का, तो इसका मतलब है कि पिचेस जो हैं इतनी स्ट्रेट और चमकती हुई पिच है। अगर आपको याद हो, अगर आपने शारजा कप देखा हो किसी जमाने में, तो शारजा कप के अंदर जो पिचेस होती थी वो इसी तरह इतनी रोल हो जाती थी कि आप बाकायदा उसमें अपना चेहरा दे सकते हैं। दूर से सीमेंट की पिच लगती है शारजा की आज भी, तो ये भी दोनों पिचेस जो आज जो मैच में लाहौर में और कल जो मैच हुआ लाहौर में वो बिल्कुल ऐसे। सीखो भाई आप सीखो भाई थोड़ी सी बात के हम काट रहा हूँ, ये जो पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं आप बैट्समैनों को याद करना शुरू कर देंगे, बॉलर का कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं और दूसरी बात रजाक के, जब ये बाहर खेलने जाएंगे वहां जब हल्का फुल्का गेंद हिलेगा तो फिर आप घबराएंगे। अब दो तीन इश्यूज जमा हो गए कायनात, आपसे बात करेंगे। याया बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर बैटर्स की, या इस फॉर्मेट को अगर हम देखें तो अडैप्टेबिलिटी और वर्सेटिलिटी का फॉर्मेट है ये, इसमें एक्सपेक्ट किया जाता है लड़कों से कि उनके नंबर्स चेंज होते रहे, मॉडर्न डे क्रिकेटर्स तैयार होते हैं अपने नंबर्स को चेंज करने के लिए, योर व्यूज ऑन दैट? बिल्कुल सही चीज है ये कि होना भी चाहिए, और फ्रेंचाइज क्रिकेट में ज्यादा इस तरीके से हो गया कि आप बैटिंग ऑर्डर बहुत शफल करते हैं टू मे बी डिस्टर्ब दी अदर टीम के, और ये भी देखने के लिए कि कौन सा प्लेयर कहाँ परफॉर्म कर सकता है। सऊद शकील की बात की जाए तो वो एक टाइम पे कंसेक्यूटिव मैचेस बैठे भी हैं बिल्कुल, और फिर मिडिल ऑर्डर से दोबारा स्टार्ट करके और अब वो ओपनर एज परफॉर्म कर रहे हैं। अगर एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो व्हाई नॉट आप उसको वहाँ चांस दें। ऑफ कोर्स आपको मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ज्यादा चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को भी इस वक्त जरूरत है कि मिडिल ऑर्डर जो है वो स्टेबल हो जाए, लेकिन शादाब ने जिस तरीके से भी परफॉर्म किया है तो मीन वी कैन से कि मिडिल ऑर्डर में वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। अगेन आगे के मैचेस में डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि और शफलिंग होती है या इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ अब टीम जा रही है, सो दैट कि प्लेयर को भी कॉन्फिडेंस आए कि उसने एक नंबर पे बैटिंग करनी है। राइट देन लेडीज जेंटलमैन, 207 रन के हदफ का ताकुब कर रही है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की टीम, और खासा अच्छा आगाज में दिया है उनको बाबर आजम और साहिम अयूब ने, 51 रन इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की टीम बना चुकी है। पाँचवें ओवर का गेम इस वक्त चल रहा है, साहिम अयूब 26 रन पे खेल रहे हैं, बाबर आजम 19 रन पे खेल रहे हैं। नेट रन रेट पर भी इनको रन रेट पर भी इनको नज़र रखनी होगी।